प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। 2017 के बाद जिन कॉलेजों को नर्सिंग काउंसिल ने मान्यता दी थी उन सभी की जांच की जाएगी। साथ ही नर्सिंग काउंसिल और मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने मान्यता देने और पर्यवेक्षण में जो गड़बड़ी की है उसकी भी जाँच होगी। इस सिलसिले में सीबीआई की टीम अलग अलग जगह जाकर दस्तावेज जब्त कर रही है। टीम शनिवार को ग्वालियर गई थी, मंगलवार को विदिशा के कुछ नर्सिंग कॉलेजों से दस्तावेज लेने के साथ ही पूछताछ की गई है। सुप्रीम कोर्ट से स्थगन मिलने के चलते 35 नर्सिंग कॉलेजों को फिलहाल जांच से बाहर रखा गया है। हम आपको बता दें कि करीब 3 माह पहले ग्वालियर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जाँच सौंपी थी, पर कॉलेजों के सुप्रीम कोर्ट चले जाने की वजह से जाँच शुरू नहीं हो पाई थी। इसके बाद सीबीआई ने विधिक राय लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले कॉलेजों को छोड़कर बाकी जांच शुरू की है। दरअसल 2018 के पहले तक नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए डिजायरेबिलिटी एवं फिजिबिलिटी प्रमाण पत्र चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की तरफ से जारी किया जाता था। यह प्रमाण पत्र स्थल का निरीक्षण, शिक्षकों का भौतिक सत्यापन, पुस्तकालय आदि देखने के बाद दिया जाता था। 2018 के बाद से इस प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म कर दी गई। इस कारण जमकर मनमानी हुई है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।